तो दोस्तों राजस्थान के अंदर एक नई वैकेंसी आ चुकी है, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया, देख सकते हो आप। पैरा मेडिकल संवर्ग के लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर की ये भर्ती है और 12/6 को यानी आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आपके लैब टेक्नीशियन के आपको नॉन TSP एरिया के 1014 पद मिल रहे हैं, TSP एरिया के 105 यानी कुल 1119 पद आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा सहायक रेडियोग्राफर के आपको 959 पद आपको मिल रहे हैं नॉन TSP के, और 99 पद आपको TSP एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र के मिल रहे हैं, और कुल हैं इसके 1058 पद। इसके बाद में आवेदन प्रक्रिया, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो ई मित्र के माध्यम से या फिर घर पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पे सामान्य वर्ग और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 450 रुपये रखे गए हैं। उसके अलावा राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपये, समस्त विशेष योग्यजन और अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदकों हेतु 250 रुपये यहाँ पे रखे गए हैं, और जिनके परिवार की आय 2,50,000 रुपये से कम है उनको 250 रुपये इसमें देने होंगे। इसके अलावा यहाँ पे पदों का विवरण दिया हुआ है कि वे कितने पद खाली हैं। इसके बाद में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% इसमें आरक्षण भी दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे खेल उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी 2% यहाँ पे बोनस दिया जा रहा है दिव्यांगों के लिए। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो लैब टेक्नीशियन का जो पद है उसके लिए आपके सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए साइंस से, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स जो भी आपके पास में हो। उसके अलावा आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन, तो आपको हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। और सहायक रेडियोग्राफर के लिए भी सेम टू सेम यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें सीनियर सेकेंडरी साइंस विद बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इट्स इक्वालेंट विद रेडियोग्राफी कोर्स पासड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल एंड रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, यानी आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आप भारत के नागरिक हैं नेपाल भूटान तो भी आप आवेदन कर सकते हो। आयु सीमा आपकी 1 जनवरी 2021 के अनुसार 18 वर्ष इसमें रखी गई है। आवेदन कब से कब तक कर सकते हो, इसमें 15 दिन का समय दिया हुआ है, जिसमें 18/6/2020 से लेकर 2/7/2020 तक आप आवेदन कर सकते हो। और ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर आपको सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।